हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यूपी पुलिस 49,568 भर्ती से संबंधित दोस्तों एक नया नोटिस दोस्तों यहां पर जारी हुआ है। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दोस्तों यही बताने वाला हूं वो दोस्तों नया नोटिस कौन सा है, और दोस्तों यहां पर जो फेल विद्यार्थी है क्या दोस्तों यहां पर उनको दोबारा मौका मिल सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं दोस्तों आपको सारा कुछ बताने वाला हूं, तो भाई वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जी हां दोस्तों, अब आपके पास दोस्तों पुलिस की वर्दी जरूर होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इससे पहले, अगर अभी तक दोस्तों आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाई आप सबसे पहले हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों आपकी वीडियो के नीचे दोस्तों एक लाल कलर का दोस्तों बटन होगा, उसे दबाकर दोस्तों हमारे चैनल से जुड़ जाइए। दोस्तों ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको इसमें कोई चार्ज नहीं देना होगा। दोस्तों आप हमारे वीडियो को यहाँ पर लाइक भी कर दीजिए, और दोस्तों आप इस घंटे को जरूर दबाइए ताकि दोस्तों आपको हमारे आने वाली वीडियो बिल्कुल टाइम पर मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर इस नोटिस को दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, जो दोस्तों भर्ती बोर्ड ने दोस्तों कल यानी 10 दिसंबर को दोस्तों ये जारी किया था। दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि आज दिनांक 10/12/2019 को रिजर्व पुलिस लाइन जनपद कानपुर नगर में आयोजित आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी पीएससी के पदों पर हो रही सीधी भर्ती की अभिलेखों की समीक्षा शारीरिक मानक परीक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत कानपुर जोन के जनपदों से कुल 1108 अभ्यर्थियों में से 773 उपस्थित आए। जी हां दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें दोस्तों 1108 अभ्यर्थियों में से दोस्तों केवल दोस्तों यहां पर 773 अभ्यर्थी उपस्थित हुए हैं, जिनमें दोस्तों 744 अभ्यर्थी फिट पाए गए, जबकि दोस्तों यहां पर देख सकते हैं आप 29 अनफिट पाए गए हैं। जी दोस्तों यहां पर देख लीजिए आप, यहां पर जो 29 अभ्यर्थी दोस्तों यहां पर वो अनफिट पाए गए हैं। उक्त प्रक्रिया के दौरान 335 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। जी दोस्तों आप देख सकते हैं कितना बड़ा दोस्तों यहां पर अंक है, 335 अभ्यर्थी दोस्तों यहां पर अनुपस्थित रहे हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं यहां पर दोस्तों कितने विद्यार्थी दोस्तों यहां पर एब्सेंट रहे हैं। दोस्तों इस न्यूज से देखते ही दोस्तों आपकी जो सेकंड कट ऑफ है दोस्तों, इस नोटिस से दोस्तों आप अपनी सेकंड कट ऑफ को दोस्तों यहां से अंदाजा लगा सकते हैं, आपको दोस्तों यहां से सेकंड कट ऑफ की जानकारी मिल जाएगी। जी दोस्तों, वो कैसी जानकारी मिलेगी, चलिए दोस्तों सबसे पहले यही जान लेते हैं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि दोस्तों भर्ती बोर्ड ने ये दोस्तों अपनी जब वहां आपका DEPST चल रहा है दोस्तों कानपुर में, तो दोस्तों वहां पे भर्ती बोर्ड ने दोस्तों ये एक दीवार पे चिपका रखा था, लेकिन दोस्तों हमारे जो यहाँ पर विद्यार्थी हैं उन्होंने दोस्तों हमें यहाँ पर एक फोटो के माध्यम से दोस्तों इसको यहाँ पर फोटो खींच कर दोस्तों हमें यहाँ पर व्हाट्सअप किया है। तो दोस्तों इस फोटो को मैं आपको वहीं से दिखा रहा हूँ। जी दोस्तों, अगर अभी तक दोस्तों आपने हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों हमारा नंबर है 6396453592। जी दोस्तों, ये हमारा नंबर है, आप दोस्तों हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए ताकि दोस्तों आपको यूपी पुलिस से रिलेटेड दोस्तों पल पल की जानकारी सबसे पहले मिल सके। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये जो न्यूज सामने निकल कर आई है दोस्तों 10 दिसंबर की, आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, कोई पुरानी न्यूज दोस्तों मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। अब दोस्तों आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं दोस्तों कि आपकी जो सेकेंड कट ऑफ दोस्तों आएगी या नहीं। दोस्तों आप यहां पर चेक कर लीजिए, यहां पर देख लीजिए दोस्तों लिखा है कि 29 अनफिट पाए गए और दोस्तों 335 जो अभ्यर्थी है दोस्तों यहां पर अनुपस्थित रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर देख लीजिए, यहां पर बहुत से जो विद्यार्थी दोस्तों यहां पर अनुपस्थित रहे हैं, तो दोस्तों आपकी जो सेकंड कट ऑफ दोस्तों यहां से पक्की आनी है। जी दोस्तों, जो फेल विद्यार्थी दोस्तों यहां से उनकी बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आपकी जो सेकंड कट ऑफ है दोस्तों उसमें ज्यादा टाइम नहीं बचा है। आपकी दोस्तों जो सेकंड कट ऑफ है उसमें दोस्तों बहुत ही कम टाइम बचा है, वो दोस्तों आपकी जो सेकंड कट ऑफ है वो दोस्तों 10 से 15 जनवरी के दोस्तों लगभग आ सकती है। जी दोस्तों, 10 से 15 जनवरी के लगभग दोस्तों आपकी जो सेकंड कट ऑफ है वो दोस्तों आ सकती है। दोस्तों अगर आपको कोई कहता है कि आपकी जो सेकंड कट ऑफ है दोस्तों वो दिसंबर महीने में आ जाएगी, तो दोस्तों आपसे बिल्कुल वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि दोस्तों जब तक आपका यहाँ पर रनिंग नहीं हो जाती है तब तक दोस्तों आपकी जो सेकंड कट ऑफ है दोस्तों ये नहीं आ सकती है। जी दोस्तों, रनिंग के बाद ही दोस्तों आपकी जो सेकंड कट ऑफ है दोस्तों इसका यहाँ पर निश्चय किया जाएगा कि सेकंड कट ऑफ लगेगी या नहीं, क्योंकि दोस्तों अभी तो जो भर्ती बोर्ड है दोस्तों वो फेल विद्यार्थियों को दोस्तों यहाँ पर लिस्ट जारी कर रहा है, क्योंकि दोस्तों वह जानता है कि अगर मैं यहाँ पर अभी से ही यहाँ पर सेकंड लिस्ट जारी कर दूंगा तो कहीं वहां पर जाकर जो विद्यार्थी है वो ज्यादा नहीं हो जाए, तो इसलिए दोस्तों अभी जो भर्ती बोर्ड है वो जारी नहीं कर रहा है आपकी सेकंड कट ऑफ को, वो दोस्तों आपके सेकंड कट ऑफ को दोस्तों आपको बिना बताए दोस्तों जारी कर देगा। जी दोस्तों, आपको दोस्तों पता भी नहीं चलेगा और आपकी जो सेकंड कट ऑफ दोस्तों वो आ जाएगी।
दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इतने विद्यार्थी दोस्तों यहाँ पर अनुपस्थित हो रहे हैं। दोस्तों ये डेली का जो आप देख सकते हैं डेली न्यूज दोस्तों हम आपके सामने लेकर आते हैं कि इतने विद्यार्थी दोस्तों आज अनुपस्थित रहे, आज इतने विद्यार्थी दोस्तों अनफिट रहे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस प्रक्रिया से ही दोस्तों आपके जो यहाँ पर सेकेंड कट ऑफ है दोस्तों इसके चांस ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो भाई हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और दोस्तों अभी तक दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाई सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।